मेरे से बोलती है कि मेरे को सड़क फालतू सड़क पे दे देता है, अब मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगी, मेरी गाड़ी आने तो फालतू के डायलॉग बाजी तो ऐसे करना है बस। और अब ये डे टू है हमारी जर्नी का देवास टू सोलापुर। इस बारी हम दूसरे रूट से जा रहे हैं बिकॉज कोलापुर वाला रूट लास्ट टाइम इफ यू सीन अवर ब्लॉग तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा था तो वो स्किप करके तो किसी और रूट से जा रहे हैं, देखो कैसा होता है। और हमारा है डिस्टेंस टू कवर टुडे इज 754 किलोमीटर, अराइवल बता रहा है 10:30 बजे का। देखते हैं कि हम पहले थोड़ा सा गाड़ी को पिला दिया जाए, गाड़ी का पानी। हम लोग रुके हैं बाबर्स ग्रैंड किचन पे फॉर पोहा एंड चाय ब्रेक। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट रिवर इन सेंट्रल इंडिया। नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। लाइफलाइन ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश। चल रहा है घाट सेक्शन
को ड्राइवर हूँ और को ड्राइवर का ये फ़र्ज़ बनता है कि खाने पीने की कमी ना होने दे। तो अब ये पैकेट खोला जाएगा और मैं ड्राइवर को खिलाऊंगा एक एक करके चिप्स, क्योंकि ड्राइवर बहुत मेहनत से चला रहा है गाड़ी एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। भूख लग रही होगी ड्राइवर को, मेरा फर्ज अपना फर्ज मैं निभाऊंगा को ड्राइवर का। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी धूले, और धूले में ये गोल्डन लीफ रिजॉर्ट और ऑर्किड भी है। ऑर्किड इज अंडर रेनोवेशन, उत्कर्ष पार्क कर रहा है। दिस इज द रिजॉर्ट, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ खाना खा सकते हैं। तो गोल्डन लीफ में खाना नहीं मिला, कोई अटेंड करने के लिए नहीं था। अब थोड़ी देर वेट करी 5-10 मिनट, फिर हमने सोचा लेट्स डू आवर वॉशरूम ब्रेक एंड लीव। वॉशरूम था गुड, तुम्हारा हो गया था। के बाद मिली है हमें सिंगल लेन रोड, जो थी वो भी उखाड़ दी है। इसके बाद हम लोग तो फिर भी ऑलमोस्ट जाम से आगे आ गए। देख भगवान करे, हाँ पहुंच तो गए। इस रोड पे तुमको चलानी होती तो तुमको कितना कष्ट होता। कष्ट होता, तो मैंने सारा कष्ट ले लिया। पहले गाड़ी का कष्ट देख लेना, पीछे गाड़ी को क्या कष्ट हुआ। कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को क्या हुआ, गाड़ी को क्या हुआ। और ये हम आ गए हैं 40 गांव में। 40 गांव का नाम 40 गांव क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ 40 गांव है। 40 गांव को मिला के एक शहर बना दिया, नाम वही रख दिया 40 गांव। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि सिटी की अंदर से जाना पड़ रहा है। नो बाईपास, सामने दिख रहे हैं पहाड़। इन्हीं पहाड़ों से अब हमको जाना है वेस्टर्न घाट के पहाड़। और बज गए हैं शाम दिन के 3:30, और खाना नहीं खाया हमने। देखते रुक के खाना खाया। इस ट्रिप में मुझे काफ़ी नींद आई है, पता नहीं क्यों, काफ़ी टायर्ड हूँ, शादी की थकान नहीं बैठी। ये हमारी सब्जी और ये पराठा। कैसा है मेथी की सब्जी? और ये अपने इंदौरी के लिए अपना नमकीन की सेम। सेव है, सब्जी है, फिर भी इनको अचार चाहिए भैया, आम का काला वाला अचार।
अच्छा फुल फ्लेवर्ड मील कर लिया अपना लंच जो घर से पैक हुआ था। हमारे पुष्पा भैया हैं और आकाश भैया हैं और उन दोनों ने सुबह को मेहनत करके हमारे लिए पराठे और मेथी आलू की सब्जी बनाई। थैंक यू सो मच। और जस्ट घाट चढ़ने से पहले हम लोग रुके थे खाने के लिए और अभी घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। घर से निकलेंगे और हमको तुम नहीं है वो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 9 बजे निकले घर से तो कहीं पे भी एक पहले से प्लान ना कर रहता है तो होता है एकदम ऐसे इम्प्रॉम्प्टो नहीं होता है। कचरा गाड़ी से यहाँ पे डस्टबिन में डाल देंगे अपना कचरा कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया करो अगर नहीं डालते हो तो। ठीक है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा हाँ डस्टबिन अच्छा है तो अच्छी है। शुक्रिया चाय खत्म मेरा वेट कर रहा है कि मैं खत्म कर दूँ। मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज भी पोस्ट कर रही हूँ साइड बाय साइड। 2 मिनट है तुम्हारे पास। ओके शाम की बज गई है 5 और हम बाईपास कर रहे हैं औरंगाबाद जो कि लेफ्ट साइड में है एंड दिस इज सोलापुर हाईवे और स्टिल स्वाति इज ड्राइविंग और हमें यहाँ से लगेंगे ऑलमोस्ट 3 hours, 3.5 hours सोलापुर के लिए 300 किलोमीटर्स। लेट्स सी
चार होटल्स ढूंढने के बाद हमें ये एक एग्जीक्यूटिव होटल मिला है साईं प्रसाद, ये भी इतने बता दिया था इसमें अवेलेबल है, अब मेरा नाम ले लो तो मिल जाएंगे रूम्स। बाहर ही लगाने हैं शुक्री। तो हम लोगों को एक ओके सा होटल मिल गया है जस्ट फर्स्ट स्लीपिंग टुनाइट, टैरिफ अराउंड 2700 है। सब बोंगा का नॉर्मल से बोंगा भी टैरिफ क्योंकि शादियों का सीजन है, एवरीथिंग इज बुक्ड, तो कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे पैसे एक ही मिल गया। ये हम आए हैं अजिंक्य रेस्टोरेंट में विच इज़ हाईली पैक्ड। ये आया हमारा मसाला पापड़, टोमेटो सूप 1/2, और ये है मिक्स रायता। बहुत नॉइस है भाई, पूरा सोलापुर लग रहा है यहीं बैठा है खाने को। नेक्स्ट है अपना पनीर बटर मसाला और रोटी और रायता, सेफ ऑप्शन। तो ये अजिंक्य एसी वेज रेस्टोरेंट है। हमने लिया मीठा पानी, अरे खिलाओ ना।